आम जिसे हम फलों का राजा मानते हैं उसकी उपज बिहार में बड़ी मात्रा में होती है, तो वो उपज इसी प्रकार से होते रहे, आम का उत्पादन बढ़े और आम के जो प्रभेद हैं वो प्रभेद मतलब उसके जो डिफरेंट क्वालिटीज हैं, अलग अलग स्वाद के आम और ज़्यादा उत्पादित हों, उनका बागान लगे, पैदावार बढ़े, ये हम सब लोगों का उद्देश्य है। और जो आम पैदा होता है, जो आम फल लगता है पेड़ों में, उस आम के उत्पादक जो हमारे किसान हैं, उन किसानों के बीच एक बेहतर प्रतियोगिता हो, इस प्रतियोगिता के आधार पे वो नए नए आम के प्रभेदों का अनुसंधान कर सकें और बिहार के आमों की ख्याति और दुनिया में बढ़ सके। उनका जो मार्केटिंग होता है, मार्केटिंग में भी हम कैसे उनको मदद करें और बिहार के आम विदेशों में ज़्यादा से हमारा प्रयास है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आम महोत्सव का उद्घाटन किया और उन्होंने विभिन्न प्रकार के 400 से अधिक वैरायटी के आम यहाँ पे रखे हुए, आप सब लोगों ने भी देखा है उन आमों। और ये आम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। आज भी यहाँ कुछ आम रखे हैं जो मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं और देश के विभिन्न राज्यों में तो बिहार का आम बहुत ही लोकप्रिय है, लोग खाना पसंद करते हैं। इस जून जुलाई के महीने में उनको इंतज़ार रहता है बिहार का आम का। तो एक तो मकसद ये है कि आम का पैदावार बढ़ाना, अच्छे क्वालिटी का डिफरेंट वैरायटी का आम पैदा करना और फिर उसकी मार्केटिंग ठीक से कराना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।